फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया कैन हैव टू। तो इस वीडियो के कमेंट में मेरे बहुत सारे लर्नर ये पूछे कि कुड हैव हैड टू क्या है। आप कहते हैं कि कुड हैव हैड टू को लेकर अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो पढ़ सकता था, यानी इस तरह के सेंटेंसेस से किसी इंसान की मजबूरी यानी कंपल्सन या ऑब्लिगेशन की बात की जाती है कि किसी इंसान को कोई काम करना पड़ सकता था। जैसे आपको जुर्माना देना पड़ सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कुड हैव हैड टू पे फाइन, यानी आपको जुर्माना देना पड़ सकता था। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मेरे सेंटेंस में कंपल्सन है यानी ऑब्लिगेशन है। मैं किसी इंसान की मजबूरी की बात कर रहा हूँ कि आप ऐसा करने के लिए मजबूर हो सकते थे। ये अलग बात है कि ऐसा नौबत नहीं आया, यानी ऐसा आपको करना नहीं पड़ा, आपको वहाँ ठहरना पड़ सकता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कुड हैव हैड टू स्टे देयर, आपको इंग्लिश सीखना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, आपको मदद मांगना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू आस्क फॉर हेल्प, उसको यहाँ आना पड़ सकता था। She could have had to come here. उसे एक नया लैपटॉप खरीदना पड़ सकता था। She could have had to buy a new laptop. आपको इंतजार करना पड़ सकता था। You could have had to wait. तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि इन सभी सेंटेंसेज में किसी इंसान की ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, उसकी मजबूरी की बात हो रही है कि आपको ऐसा करना पड़ सकता था। ये अलग बात है कि ऐसा नौबत नहीं आया या ऐसा सिचुएशन नहीं आया, आपको ये सब करना नहीं पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।